धात्री कांड पर चुप्पी तोड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदू मुसलमान साथ काम करें, गरीबी से साथ लड़े, साथ ही कहा कि भड़काऊ बयान देने वालों से सावधान रहें। धात्री हत्याकांड पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुलायम सिंह ने कहा कि इस मामले में एक पार्टी विशेष के 3 लोगों ने मिलकर साजिश रची, यही लोग मुजफ्फरनगर दंगों में भी शामिल थे, हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। समस्तीपुर में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नेताओं ने बिहार में जातिवाद और संप्रदायवाद का जहर घोला है, ये बिहार का भला नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में मावा से बैन हटाया गया है, राज्य सरकार ने मावा बैन का आदेश वापस ले लिया है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने सूबे में मावे और मावे से बनी मिठाइयों पर रोक लगाई थी, दीपावली पर मिलावट को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। सीएम राज शुक्रवार को सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट 2015 का शुभारंभ करेंगे। ये आयोजन प्रदेश के युवाओं और कंपनियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। सीएम राजे ने अपने सभी मंत्रियों को सभी जिलों के दौरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत खनन मंत्री राजकुमार रेणवा कोटा पहुंचे, ईंट भट्टा व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। दरियावद में हर महीने आयोजित होने वाली सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन दरियावद थाना परिसर में किया गया। थाना प्रभारी हीरेंद्र सिंह राणावत और जनप्रतिनिधि सहित सीएलजी सदस्य भी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधि एम के देवराजन ने डीआरडीए सभागार में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान 16 मामले सामने आए। जनसुनवाई से पहले उन्होंने जिले भर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। अलवर जिले के तिजारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लड़की के परिजनों को ढूंढ लिया है। पुलिस को आरोपी के बारे में हम सुराग हाथ लगे हैं। भरतपुर के जामा मस्जिद क्षेत्र में एक हौजरी के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगते देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब सूचना देने के बाद भी घंटों बाद अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान आसाराम ने कहा कि जोधपुर के डॉक्टर तो उनका इलाज करने में फेल हो गए, लेकिन अब विदेश से जोधपुर आया डॉक्टर उनका इलाज करेगा। धौलपुर में शरद महोत्सव से ठीक पहले लगने वाले पशु मेले पर सीजेएम कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। खान विभाग घूसकांड के सभी आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। 8 आरोपियों में से 3 आरोपी पंकज गहलोत, शेर खान, पिया रामेटा के जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। 8 आरोपियों को 16 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रोडवेज के सीएमडी राजेश कुमार यादव एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। सीएमडी ने बस डिपो का निरीक्षण किया, अधिकारियों की बैठक ली, बैठक में व्यवस्थाओं की जानकारी ली, अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। अलवर के पास एक तालाब में कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक के शव को बाहर निकलवाया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में स्टेशन रोड पर शराब के नशे में युवक ने अपने हाथ की नस काट ली, जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायल युवक को श्रीमाधोपुर अस्पताल में भर्ती कराया। सवाईमाधोपुर के बौली निवाई रोड पर रोडवेज बस ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए गांव वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। शाहपुरा के विराटनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विस्फोटक सामग्री से भरी पिकअप पकड़ी है, चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने गुरुवार को सिटी सिनेमा के पास नाकेबंदी कर 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवकों में से एक सोवनिया निवासी महेंद्र कुमार और दूसरा रमजान है। शाहपुरा के फूलिया कला थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हो गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर गांव वालों और सरपंच के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई। कोटा के पास शेरगढ़ गांव में पाठशाला पेड़ के नीचे संचालित हो रही है। शिक्षक बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं, इसी गांव की आपसी गुटबाजी और खींचतान है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अजमेर में लॉ कॉलेज के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर के कंचनपुर गांव के लोगों ने एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, एसपी को ज्ञापन सौंपा। राजकीय स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक पर गिरफ्तारी की मांग की। यूनिवर्सिटी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने स्कूल गेट पर तालाबंदी की, विद्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गई। अजमेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, 2 विषयों में ज्यादातर बच्चों को फेल करने का विरोध कर रहे हैं छात्र। सीकर के रानौली में सरपंच के भेदभावपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ गांव वालों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में वायरल फीवर, स्क्रब, टाइफस, डेंगू और मौसमी बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में खौफ है।
रेवाड़ी में मौसमी बीमारियों का कहर है। डेंगू मलेरिया के रोकथाम के लिए शहर में फॉगिंग की गई है। विजयनगर में 7वें जिला स्तरीय एथलेटिक और कला उत्सव प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो का पहला गाना रिलीज कर दिया गया है।